मैं माया ग्रे हूँ और ऑस्ट्रेलिया पर्थ के स्कूल में नई लड़की थी। मम्मी पापा के काम की वजह से न्यूयॉर्क से मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई हूँ। मेरे मम्मी पापा 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क गए हुए हैं मुझे छोड़कर। काफ़ी बारिश हो रही थी जब मैं स्कूल के पार्किंग लॉट में पहुंची। एक लड़का बाइक से आ रहा था और कीचड़ वाला पानी मेरे स्कर्ट में आकर गिरा। जब मैं मुड़कर उस लड़के को देखी तो देखते ही रह गई। वो बैंगनी आंखों वाला लड़का कमाल का हैंडसम था, लेकिन पहले दिन मेरा बहुत बुरा जा रहा था। लोग मेरे स्कर्ट को लेकर मुझे चिढ़ा रहे थे, यहाँ तक कि वह लड़का भी मेरा मजाक उड़ा रहा था। आखिरकार मैं टूटकर बाथरूम में जाकर रोने लगी। तभी एक लड़की कैट मुझे वहाँ मिली, जो मुझे लेकर कैफेटेरिया में गई और उसके दोस्त जैक्सन और सारा, हम चारों मिलकर लंच किए। लंच के बाद मुझे मिसेस जैकब के क्लास में जाना था, जो कि इंग्लिश पढ़ाने वाली थी। मैं जल्दी जल्दी अपने कदम चला रही थी ताकि मैं फिर से देर ना हो जाऊं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब टीचर मुझे डांटती है। आखिरकार मैं दरवाजे के अंदर पहुंची, पर अंदर जाने में झिझक रही थी। हिम्मत जुटाकर मैं क्लासरूम के अंदर आकर चलने लगी। घबराहट के साथ देखा, टीचर अभी नहीं आई थी, तो जो टेबल खाली था मैं उसमें जाकर बैठने लगी। किस्मत अच्छी थी, कोई मुझे नहीं देख रहा था। मैं अपना पिंक नोटबुक निकालकर उसमें कुछ लिखने लगी। अचानक से एक हैंडसम लड़का सांवली त्वचा के साथ मेरे पास आया, जल्दी से कदम बढ़ाकर आया और मुझे कस के हग कर लिया। कुछ सेकंड के लिए मेरे शरीर में लकवा मार गया। जब मैं फिर से होश में आई, मैंने उसे पीछे धक्का दिया। तुम क्या कर रहे हो, मैं काफी गुस्से के साथ पूछी। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैं सोचा था कोई और है, वह लड़का कहा अपनी आंखों में दर्द लेकर। मैं उसके हग से काफी ज्यादा जज्बात को महसूस कर सकती थी। मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी होने लगी, पर मैं नॉर्मल दिखने की कोशिश की। मेरा मतलब है, वह काफी क्यूट है और मुझे इस तरीके की अटेंशन की आदत नहीं। ठीक है, मैं अपना गला साफ करते हुए कही, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें नाराज नहीं किया। अगर किया है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे सच में लगा था कि तुम कोई और हो, कोई ऐसा जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है और तुम उसकी जैसी दिखती हो, जिस वजह से मैं बह गया था। माफ कर दो, क्या करोगी, वो काफी भारी सांस के साथ कहा। ठीक है, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना, मैं ऐसी सिचुएशन की आदी नहीं हूँ, मैंने स्वीकार किया और उसने अपना सर हिलाया। तुम्हें बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं तुम्हारे साथ बैठूं, तो उसने काफी धीरे से पूछा। अरे नहीं, ठीक है बैठ जाओ, मैं अजीब तरीके से कहा। मैं मोहित हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं माया हूँ, मैं मुस्कुराई, जरा कठोर नहीं होना चाहती थी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। उसकी आंखें मेरे कपड़ों पर पड़ी और वह काफी आम तरीके से मुझे देखा। सेम, मैंने कहा और उसके कपड़े की ओर देखने लगी। वह एक सफेद टी शर्ट और ग्रे जीन्स पहना था, वह पक्का बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ब्लश करने लगी यह सोचकर कि थोड़ी देर पहले वह मुझे हग किया था। तुम यहाँ से नहीं हो, ठीक कहा ना, उसने कहा और मैं सहमति से सर हिलाया। वह अपनी ही दुनिया में लग रहा था, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा था। एक बात पक्का है, वह काफी निराश और उदास लग रहा था। नहीं, मैं न्यूयॉर्क से हूँ, मैं काफी घबराहट के साथ जवाब दी। हाँ, तुम्हारे बात करने के तरीके से पता लग रहा है, वह मुस्कुराया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। क्या तुम ठीक हो, मैंने पूछा और उसने अपना सर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जबकि मैं अनिश्चित थी। तभी टीचर आई, वह काफी हड़बड़ी में नजर आ रही थी। गुड मॉर्निंग क्लास, दरअसल मैं लेट आई हूँ, इसके लिए माफी मांगती हूँ, पर मुझे दोबारा जाना होगा, लेकिन तब तक मैं तुम लोगों को कुछ क्लास वर्क दे रही हूँ, उसने कहा और पूरी क्लास इनकार में गूंजने लगी। तुम्हें इस काम के मार्क्स भी मिलेंगे, वह मुस्कुराई और क्लास को छोड़कर चली गई। क्या तुम सीरियसली यह कर रही हो, मोहित ने अपनी एक भौं ऊंची करके मुझे देखा। हाँ जरूर, और इसके नंबर भी मिलेंगे, सही कहा ना, मैंने कहा। हाँ तुम पक्का बिल्कुल अलग हो, मोहित चिढ़ाता हुआ कहा। हाँ मुझे अलग होना पसंद है, मैंने कहा। हाँ मैं भी, उसने कहा, और मुझे लगता है हमारी जोड़ी काफी परफेक्ट रहेगी। हाँ मुझे भी लगता है, मैं उसको देखकर मुस्कुराई कि अचानक कोई क्लास के अंदर आया, वह महान शख्स जिसे मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी। वह यहाँ क्या कर रहा है, मिसेस जैकब के साथ उसका भी क्लास है क्या, मुझे इससे क्या मतलब है। आखिरकार हमारी आंखें मिली और वह मुझे देखकर नखरे की मुस्कान दी। मैंने झट से अपनी आंखें हटा ली, पर इस बात पर गौर फरमाया कि वह लड़का अपना जबड़ा टाइट करके मोहित को देख रहा था। वह हमारे पास से गुजरकर कुछ टेबल पीछे जाकर बैठा। तुम उसे जानती हो, काफी चिंतित होकर मोहित मुझे देखा। हाँ वह मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा रहा था थोड़ी देर पहले, मैं काफी घबराहट के साथ कही।
मेरी यह सोच है कि तुम उससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मोहित ने कहा और मैं काफी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। हाँ, मैं उस खड़ूस के पास नहीं जाने वाली थी, पर मोहित का यह कहना काफी कंफ्यूजिंग था और यह नहीं भूल सकती जिस तरीके से वह अकरू ठंडी दृष्टि से मोहित को देख रहा था। उनके बीच में कुछ जंग छिड़ी हुई थी क्या? मोहित के साथ बात करके पता चला कि वो यहीं से है और स्पेनिश जानता है, बहुत अच्छी बात है। और मैंने उसे बताया कि मैं फ्रेंच जानती हूँ। वह अच्छा लड़का था लेकिन थोड़ा हकला रहा था, जिससे मुझे ऐसा लगा शायद डिप्रेशन में होगा किसी लड़की की वजह से। मुझे समझ नहीं आता लोग दूसरों की वजह से खुद को चोट क्यों पहुँचाते हैं, हालांकि मैं उसे जज नहीं कर रही। हाँ, मैंने उससे वह वजह बताई जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। हम थोड़ी देर बात किए, वह काफी मजेदार है। कुछ बार वह मुझे हंसाया और वह अकड़ू पीछे से गरज रहा था। मुझे नहीं पता उसकी क्या दिक्कत है, वह पागल है मुझे ऐसा लगता है, इसलिए उसके जानवर जैसे दहाड़ को मैं अनदेखा करते हुए मोहित के साथ बात करती रही। एक घंटे बाद बेल बजी और मोहित मुझे गुड बाय कहकर वहाँ से चला गया। मैं अपना सामान उठाई और क्लास में जाने वाली थी कि किसी ने अचानक से मेरी कलाई पकड़ ली। मैं मुड़कर देखी तो देखा मिस्टर अकड़ू सामने खड़े थे। क्या मजाक बना रखा है, मेरा हाथ छोड़ो, मैं गुस्से के साथ कही। रुको, तुम मोहित के साथ क्या बात कर रही थी? अचानक से काफी चिंतित नजर आया। माफ करना, लेकिन मैं उसके साथ क्या बात कर रही थी? वह तुम्हें क्यों कहूँ, मैं आक्रोश के साथ कही। अविश्वास योग्य है, उसके साथ आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, काफी चिड़चिड़ाकर उसने कहा। पहले मेरा हाथ छोड़ो बेवकूफ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मैं झाड़ लगाई। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करोगी स्वीट हार्ट, वह नखरे की मुस्कान दी जबकि काफी खतरनाक दृष्टि से मुझे देख रहा था। मैं बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, उसे समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और क्लास के बाहर जाने लगा, मुझे बेवकूफों की तरह वहाँ खड़ा छोड़कर। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गई, वह कहा और वहाँ से निकल गया। अगले दिन मैं स्कूल में करीब 7 बजे पहुँची थी। मैं चलकर जा रही थी ठीक पहले दिन की तरह, काफी घबराई हुई थी। मेरा दिल सीने में काफी तेजी से धड़क रहा था, मैंने अपना सर झुका रखा था, अपने बैग को बहुत कसकर पकड़ रखा था। मैं पूरे रास्ते हंसने की आवाज सुन रही थी। मैं अपने लॉकर की तरफ बढ़ी जहाँ मेरी किस्मत अच्छी थी कि मोहित से मिली। वह अपने जूते की लेस बांध रहा था। हे ब्यूटीफुल, उसने कहा जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी और सीधा खड़ा हो गया, अपना शर्ट ठीक करने लगा। हाय मोहित, मैंने उससे कहा जबकि थोड़ा सा ब्लश कर रही थी। तुम आज काफी गॉर्जियस लग रही हो, वह मुझे देखकर कहा जबकि मैं घबराहट से मुस्कुराई। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम कल कम खूबसूरत लग रही थी, वह काफी क्यूट मुस्कान के साथ कहा, जिससे तुरंत मेरा दिल गदगद हो गया। मैं इस तरह के बातचीत की आदि नहीं हूँ, ऐसे हालात में कभी कभी न्यूयॉर्क से वह मुझे गिफ्ट भेजता है, खूबसूरत और गॉर्जियस कपड़े जो कभी कभी मेरे दरवाजे पर भेजा जाता है, पर मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल और डरपोक लड़की हूँ। मुझे खुद ही नहीं मालूम कि अचानक मैं इस कपड़ों को क्यों पहनी, जबकि मैं खुद से वादा किया था कि इन कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। शायद इसी वजह से पहना है क्योंकि लोग मुझे कल इस तरह से देख रहे थे। मैं क्रीम कलर की ब्लाउज पहनी थी जहाँ पर कॉलर में सफेद मोती लगे हुए थे और गाढ़ी रंग की जीन्स पहनी हुई थी। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही, पर मुझे अजीब लग रहा था जबकि वह बार बार कह रहा था इसमें तुम सुंदर लगोगी। हे भगवान, मैं कितना उसे मिस कर रही हूँ और न्यूयॉर्क को। थैंक यू मोहित, मैं नम्र तरीके से मुस्कुराई। मैंने देखा वह भी काफी हैंडसम लग रहा था, उसके शर्ट से उसके फीचर पता लग रहे थे और उसकी जींस उस पर बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। उसका स्माइल काफी अनोखा है और उसकी घड़ी मस्त है। अभी तुम्हारी कौन सी क्लास है, उसने उत्सुकता से मुझे पूछा। फिलहाल मेरी लिटरेचर की क्लास है। और तुम्हारा, मैंने पूछा। पक्का सेम क्लास नहीं है, वह मासूम तरीके से पाउट किया। तो तुमसे बाद में मिलता हूँ गॉर्जियस, उसने आंख मारी। बाय मोहित, मैंने हाथ हिलाया और उसे जाता हुआ देखा। मोहित के साथ फ्लर्ट भी करने लगी, किसी ने पीछे से अचानक से कहा। तभी मैं पीछे मुड़कर देखी और पाया कि मेरे सामने वह पार्किंग लॉट वाला लड़का खड़ा था, सेक्सी मोटर राइड वाला मिस्टर अकड़ू। तुम्हें क्या चाहिए स्टोन्स, मैंने झुंझलाहट के साथ पूछा। फिर भी मैं उसे देखने लगी थी। भगवान, मैं निर्वाक हो गई। वह ब्लैक कलर की शॉर्ट स्लीव शर्ट पहना था, उसकी टैटू नजर आ रही थी। हाँ,
उम्मीद कुछ ऐसी ही थी। उसने सिल्वर कलर की एक चेन अपने सेक्सी गले में पहनी थी और अपने हाथ की कलाई में एक सिल्वर ब्रेसलेट पहनी थी। वह इतना खूबसूरत क्यों है, काले कपड़ों में कितना हैंडसम लग रहा है। जो चीज काली नहीं थी वह थी उसकी सर की टोपी और सफेद जूते। मैं उसकी खूबसूरती में इस कदर खो गई थी कि मैं भूल गई थी वह मुझसे बात कर रहा है। तुम मुझे जैक करके बुला सकती हो स्वीटहार्ट, उसने फ्लर्ट करते हुए मुझसे कहा और मैं अपने आंखें घुमाने लगी, उसकी खूबसूरती को भुला दी। मेरे लिए यह बहुत ज्यादा है हैंडल करने के लिए, मेरे लिए सेक्सी ड्रेस पहनने के बारे में फैसला लिया है। उसने सीटी बजाई और मुझे ऊपर से नीचे तक ताड़ते हुए कहा। अचानक मेरे बट में हाथ रखा, मैं जल्दी से उससे दूर हटी। हे भगवान, अब मेरा दिल काफी तेजी से धड़कने लगा। तुम क्या कर रहे हो, मैं घबराहट से चिल्लाई। तुम्हारा नाम क्या है स्वीटहार्ट, वह मेरे सवाल को अनसुना कर दिया और मेरे ओर बढ़कर मुझे दोबारा से पकड़ लिया। मुझे हाथ मत लगाओ, और तुम मुझे माया कर नहीं बुला सकते, और मैं तुम्हारी स्वीटहार्ट नहीं हूँ, मैं बड़े ही अजीब तरीके से कहा, और इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने उसे अपना नाम बता दिया। शर्मिंदगी महसूस करने लगी, इसलिए वहां से जाने लगी। तो तुम्हारा नाम माया है, वह मेरे पीछे पीछे आने लगा जैसे कि कोई खोया हुआ बच्चा हो। नहीं, मैं वापस से जवाब दिया जबकि मुंह दबाकर हंसी। तो फिर तुम्हारा नाम क्या है, उसने पूछा। उसका मुंह ओ शेप में बना लिया। हे भगवान, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने कहा। और तुम यह मेरा पीछा करना बंद करो। नहीं, मैं नहीं कर सकता, उसने कहा। क्या तुम सीरियस हो, मैंने पूछा। नहीं, मैं जैक हूँ, उसने नखरे की मुस्कान दी, और मैं मन ही मन अपना चेहरा हाथ से ढक ली। सीरियसली बताओ तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैंने पूछा। मैं तुम्हें चाहता हूँ, उसके शब्दों को सुनकर मेरे सीने में दिल तेजी से धड़कने लगा था। अभी उसने क्या कहा, हे भगवान, मैं इस तरह की बातचीत की आदी नहीं हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और बहुत शर्मीली लड़की हूँ। तुम मुझसे उलझना बंद करो, मैं अपने ही शब्द में हकलाने लगी जबकि अपनी उंगली उसकी ओर किया। ज्यादातर मैं अपरिचित इंसान से बात नहीं करती, पर उसके साथ पता नहीं क्यों कुछ है जो मुझे उसकी ओर खींच रहा है, जबकि उसमें लिखा हुआ है निषिद्ध। कूल स्वीटहार्ट, मैं तो बस तुम्हारे साथ उलझ रहा हूँ, उसने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और मुझे उसके हाथ की अंगूठी नजर आई। दरअसल प्रिंसिपल तुम्हारे साथ बात करना चाहता है और मुझे तुम्हारे पास भेजे हैं ताकि मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊं। मैं यही सोच रही थी कि प्रिंसिपल ने अचानक मुझे क्यों बुलाया है। मैंने यह देखा तक नहीं था कि वह अचानक से मेरे बेहद करीब आ गया था। वह मुझे अपने बाहों में फंसा लिया, अपने दोनों हाथों को मेरे दोनों साइड में रखा और मेरा दिल धड़कने लगा। वह मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो गया है स्वीटहार्ट, उसने नखरे की मुस्कान दी और मैं निगलने लगी। उसके बाद ही वह मुझसे दूर हटा और गायब हो गया। मेरे साथ क्या गलत है, मैं प्रिंसिपल का दरवाजा खटखटाया और उसने मुझे अंदर आने को कहा। गुड मॉर्निंग सर, मैंने कहा। गुड मॉर्निंग मिस ग्रे, आप मिस्टर स्टोन्स के बगल में बैठिए। तो मैं जैक के बगल में आकर बैठकर मैं हल्का सा ब्लश की, यह सोचकर कि अभी हॉलवे में हमारे बीच में क्या हुआ था। बहुत अच्छा मिस ग्रे, मैं आपका फ्रेंच का परफॉर्मेंस देखा है, आपने काफी अच्छा किया है, मुबारक हो, उसने कहा। और मैं बहुत ही मुश्किल से सुन पा रही थी क्योंकि जैक की परफ्यूम की खुशबू का प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी। थैंक यू सर, मैं शर्मा कर कही। तो मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद यह है कि तुम्हें तो पता है जैक फुटबॉल टीम का कैप्टन है और उनका एक बहुत बड़ा गेम बहुत जल्दी होने वाला है, जिस वजह से उसके कोच ने बताया है कि उसके फ्रेंच के परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया है। तुम्हें उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे फ्रेंच की लैंग्वेज में मदद करोगी, नहीं करोगी क्या, वह मुझे देखकर मुस्कुराए। तो यह फुटबॉल टीम का कैप्टन है, हाँ उसको देखकर लगता है वह इतना सेक्सी और हॉट जो है, क्या मैं इसे फ्रेंच पढ़ाऊंगी। हे भगवान, मैं किसी को समझाने में जरा भी अच्छी नहीं हूँ, मैं ही क्यों। भगवान, मिस ग्रे तुम सुन रही हो ना, प्रिंसिपल ने पूछा। हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं माफी मांगने लगी जब मेरे दिमाग में इस तरह की लड़ाई चल रही थी। ओके, बहुत अच्छा, फिर तुमसे बाद में मिलता हूँ, ऑल द बेस्ट, वह मुझे देखकर मुस्कुराए। रुको रुको, क्या हुआ, क्या मैंने स्वीकार कर लिया। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकली, देखा जैक मेरा इंतजार कर रहा था। तो तुम्हारी जगह या मेरी, उसने मुझसे पूछा। मुझे माफ करना लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मैंने उससे कहा उसके ऑफर को ठुकराते हुए। ओह चिल स्वीटहार्ट,
मेरे कहने का मतलब है ट्यूशन का सेशन। वह बड़ी सी मुस्कान दी और मुझे देखकर लगा कि मैं थोड़ी पीछे हटी। मुझे लगा था वह हैंगआउट करना चाहता है, लेकिन रुको, वह अभी क्या कहा? क्या कहा तुमने मुझे? तुम्हें स्कूल के बाहर पढ़ाना होगा, मैं चिल्लाने लगी। हाँ, यह स्कूल में नहीं हो सकता, वह काफी बोरियत के साथ कहा। मेरे पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मैं उससे कहा, तो क्या तुम मुझे नहीं पढ़ाओगी? ऐसे कहा जैसे कोई मुझे दूसरा रास्ता नहीं देना चाहता। नहीं, मुझे माफ करना, कहकर मैं उसे दूर जाने लगी। ठीक है, फिर मैं प्रिंसिपल को बता दूंगा। वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा। क्या तुम फिलहाल सीरियस हो? मैंने उससे पूछा। हाँ, पक्का हूँ। क्योंकि तुमने उन्हें झूठ कहा था, इसलिए मैं राजी तक नहीं हुई थी जब उन्होंने हमें जाने को कहा। मैं बीच में उसे काटा, अपना बचाव किया। उसने नखरे की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद वह तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेंगे। मैं खौफ खा गई। अब मैं क्या करूं? नहीं, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए। फिक्र मत करो, उसने एक गंदी सी मुस्कान दी। ठीक है, स्कूल के बाद मेरे घर पर। बहुत गुस्से के साथ उसकी ओर देखकर कहने लगी, विश्वास नहीं हो रहा था मैं यह कर रही हूँ। क्या कहा तुमने? स्कूल के बाद मेरे घर पर। मैंने उससे कहा, वाह ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूँ माया। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ वह वहाँ से चला गया। मेरा नाम उसके मुंह पर कितना प्यारा लगा। लिटरेचर क्लास भी काफी अच्छा गया। जैक्सन और कैट भी एक ही क्लास में थे और हम एक ही ग्रुप में काम किए, तो एक दूसरे को जानने को मिला। कैट का पूरा नाम कैटरीना है और मुझे पता चला कि फुटबॉल टीम में किसी प्लेयर पर उसका क्रश है। और मुझे पता चला कि जैक्सन की भी गर्लफ्रेंड है, पर वह इस स्कूल में नहीं पढ़ती, उससे दो क्लास छोटी है और दूसरे स्कूल में जाती है। मुझे कैटरीना काफी अच्छी लड़की लगी। क्लास के बाद मैं मोहित से मिली और वह अपने अजीब जोक से मुझे फिर से हंसाया। मेरी क्लास अब खत्म हो गई थी और अब मैं बैठे बैठे जैक का इंतजार कर रही थी। मैं बेंच पर बैठे बैठे अपनी फेवरेट बुक पढ़ने लगी। मुझ में समाजा, नेहा और देव की कहानी पढ़ रही हो? जैक नखरे की मुस्कान दे रहा था। क्या तुम भी पढ़ते हो? मैं आश्चर्य से पूछी। किसे पता है? उसने कहा और नखरे की मुस्कान दी और मेरा मुंह आधा खुला रह गया। यह काफी आश्चर्य की बात है, मुझे नहीं लगा था वह ऐसा लड़का होगा जो कहानी पढ़ता होगा। शायद उसने यह कहानी किसी से सुनी होगी। मैं अभी वापस आता हूँ, कहकर वह चला गया और करीब एक मिनट बाद अपना मोटरसाइकिल लेकर आ गया। कम ऑन स्वीटहार्ट, कहके वह मुझे एक हेलमेट पकड़ाने लगा। नहीं नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ने वाली, मैं उसे मना कर दिया। तो लगता है तुम किसी और चीज पर चढ़ना चाहती हो, वह आंख मार कर नखरे की मुस्कान दी और मैं तुरंत ब्लश करने लगी। नहीं, तुम विकृत इंसान, मैं चलकर घर जाऊंगी, मैं शर्मिंदगी से उससे कही। हाँ मुझे पता है तुम दादी जैसी हो, उसने कहा। मुंह बंद रखो, मैंने कहा। दोबारा मुझे दादी माँ कहने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें मुक्का मारूंगी, मैं उससे कही। और वह बहुत ही मनोरंजन के साथ मुझे देखने लगा। मैं तुम्हें तीन ऑप्शन दे रहा हूँ। एक, तुम बिना किसी शिकायत के मेरे मोटरसाइकिल में बैठ जाओ। दो, मैं इस चीज से तुम्हारे पैर को तोड़ दूंगा और फिर तुम बैठने पर मजबूर हो जाओगी। और तीन, मैं तुम्हें बहुत जोरदार किस करूंगा और किसी और चीज पर चढ़ाऊंगा जिससे एक हफ्ते तक तुम चल नहीं पाओगी। अब तुम चूज करो, उसने कहा और मैं और ज्यादा ब्लश करने लगी। उसका नंबर तीन ऑप्शन सुनकर समय बीतता जा रहा है। टिक टॉक टिक टॉक, वह कहा और मैं काफी चिड़चिड़ाहट के साथ आंखें घुमाने लगी। मैं इस पर चढ़ रही हूँ, ठीक है? मैं गर्जी, तुम यहीं पर चढ़ना चाहोगी? वह नखरे की मुस्कान दी। क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शर्मिंदगी के साथ कही। यह हर बात पर डुअल मीनिंग क्यों निकालता है? चढ़ जाओ माया। मैं उसके मोटरसाइकिल में बैठ गई और सच कहो तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इससे पहले कभी मोटरसाइकिल में नहीं बैठी थी और यह बात की मैं एक लड़के के साथ बैठ रही हूँ, जिससे मेरी घबराहट और बढ़ गई थी। अचानक से उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और अपने कमर में पकड़ने के लिए रख दिया। अब ठीक है, उसने पूछा। मेरा दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा। वह स्पर्श हो रहा था, मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। मैं उसके एब्स को महसूस करने लगी थी। चुपचाप बैठने लगी और जब वह मोटर चलाने लगा, हवा मुझे महसूस होने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक अनोखा एहसास मुझे होने लगा था। मेरा मतलब है, हमेशा खिड़की से हवा को महसूस करती हूँ, पर मोटरसाइकिल की बात कुछ और थी। बहुत अच्छा लग रहा था। क्या तुम्हें डर लग रहा है? उसने बहुत भद्र तरीके से पूछा।
यह बहुत ही मजेदार है। मैं बहुत बड़ी मुस्कान के साथ चीखी, मुझे लगा था तुम डर के मारे पागल हो जाओगी। वह मुंह दबाकर हंसा, नहीं, हवा को महसूस करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उत्सुकता से कही और हवा में एक हाथ फैला दिया। वह मुझे शीशे से देखने लगा और मैं जल्दी से हाथ नीचे कर दी। ठीक है, फिर तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा, ब्रिज के दाई ओर जाओ। ठीक है, पकड़ कर रखो माया। वह अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था हम हवा में उड़ रहे हैं। वाओ, मैं खुशी के साथ चिल्लाई। 10 मिनट के अंदर हम अपने घर के सामने खड़े थे। मैंने उससे कहा, यह यहाँ पर है। ओके कहते हुए वह आम के पेड़ के सामने अपना बाइक पार्क किया। मैंने कहा, अंदर आ जाओ, बारिश होने वाली है, मेरे पीछे पीछे आओ। मैं काफी घबराहट में थी, मेरा दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। मेरे घर पर कोई और लड़का नहीं आया सिवाय मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड के नीको, जो कि अभी न्यूयॉर्क में रहता है। जब दोनों मेरे कमरे में आए, मैं और ज्यादा घबराने लगी। वह अपना हेलमेट टेबल के ऊपर रख दिया। तुम कुछ खाना या पीना चाहोगे? मैंने पूछा। उसने कहा, हाँ, एक ग्लास पानी दे दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम बैठकर यह नोट्स पढ़ो। ओके मिस ग्रे, उसने मुझे चिढ़ाया। पानी पीने के बाद वह कहा, तुम काफी अमीर हो क्या? मैं उसे देखकर कही, हाँ ऐसा लगता है, तुम्हारे घर बहुत खूबसूरत है। उसने तारीफ की। थैंक यू, मैं मुश्किल से मुस्कुराई, पर मैं श्योर नहीं थी कि यह मेरा घर है। पहले मैं बहुत डर के पढ़ा रही थी, लेकिन फिर मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि वह सीख जाए, और वह जल्दी सीख रहा था। समय जल्दी बीत गया और अब उसके जाने का वक्त था। उसने कहा, वाह, तुम कमाल की टीचर हो। मैंने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं, मैं सीरियस हूँ, तुम बड़े होकर टीचर बन सकती हो। उसने कहा, जितना ही मैं यहाँ रहना क्यों ना चाहूँ स्वीटहार्ट, पर मुझे जाना होगा, तुमसे कल मिलता हूँ, उसने कहा। मैंने कहा, ठीक है, और उसके साथ बाहर तक चलकर आई कि उसने अचानक पूछा, तुम रोज स्कूल कैसे जाती हो? मैंने कहा, कभी कभी बस से जाती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं चलकर जाती हूँ। रुको, क्या, सीरियसली तुम चलकर जाती हो? वह अविश्वास के साथ पूछा। हाँ, यह इतना दूर नहीं है और मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छा होता है, मैंने कहा। हालांकि मेरा वाक्य सुनने के बाद वह हंसने लगा। तुम मजेदार हो, हंसते हुए कहा। क्या? मैं झुंझलाहट के साथ पूछी। ओ माय गॉड, कहते हुए वह हंसता ही रहा और मैं काफी एटीट्यूड दिखाकर कही, चलो, मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हें हंसाने के काम आई। मुझे भी, कहकर वह मुस्कुराया और मैं ब्लश करने लगी। क्या सच में मैं उसे देखकर इतना ब्लश क्यों कर रही हूँ? और फिर कुछ मिनट तक वह मेरी आंखों में देखता रहा और मैं उसके बैंगनी नीली आंखों में देखती रही, जिसमें काफी रहस्य छिपे हुए थे। किसी की आंखें इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? क्या इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? मेरा मतलब बिल्कुल देवता जैसा खूबसूरत है, मुझे इससे पूछना ही पड़ेगा। हे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या तुम कॉन्टैक्ट लेस पहनते हो? मैं उत्सुकता के साथ पूछी। वह कुछ सेकंड तक मेरी ओर देखा और फिर हंसी के ठहाके लगाने लगा। क्या? मैं घबरा कर पूछी, तुम ऐसी क्यों हो? उसने नखरे की मुस्कान दी और निचले होंठों को चाटने लगा। हाँ, नहीं, मेरा मतलब, मैं थोड़ी आश्चर्य हो रही थी, मैं बड़बड़ाई। चलो, तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है, वह काफी गर्व के साथ कहा। ओ अच्छा, मैंने जवाब दिया। ठीक है क्यूटी, कल मिलता हूँ, कहकर वह अपने मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और चला गया। मैं उसे जाते हुए देख रही थी, वह कुछ ज्यादा ही सेक्सी और हैंडसम है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो मेरे कमरे में था। पर फिर से मैं उसी के बारे में क्यों सोचने लगी? नहाते वक्त बस उसी का ख्याल आ रहा था। अपने कपड़े पहने ही थे कि अचानक से मेरा फोन बजा। हेलो, मैं फोन उठाई। मैं उम्मीद करती हूँ तुम घर का अच्छे से ध्यान रख रही हो, मैं टेबल पर तुम्हारे लिए $20 छोड़ गई हूँ, पर पूरे पैसे खर्च मत करना, ठीक है? और मैं उम्मीद करती हूँ तुम अच्छी लड़की बनकर रहोगी, कोई लड़का नहीं, ठीक है ना? मेरी माँ ने कहा। मैंने कहा, ठीक है माँ, ओके बाय, कहकर उसने फोन रख दिया। वह मेरे बारे में पूछी तक नहीं, उसे फिक्र नहीं कि मैं कैसा कर रही हूँ और $20 से मैं 3 हफ्ते कैसे चलाऊंगी। और अब 3 दिन हो गए हैं वह लोग चले गए, उसे अब मेरी याद आई। चलो, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरी माँ से थोड़ी देर बात करके ही
मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं सीधे बेड पर आ गई और सोचने लगी, यह कैसे रिएक्ट करेगी अगर पता चलेगा जैक घर पर आया था। ऐसा नहीं कि हम दोनों कुछ गलत कर रहे थे, पर मैं अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानती हूँ। पूरी ज़िंदगी वह मुझे घर पर कैद कर देंगे, पर यह सोचने से और मूड खराब होगा। मैं सो गई और जब सुबह उठकर खिड़की दरवाज़ा बंद करके घर से बाहर निकली, मेरे यार्ड के सामने मैं अविश्वास के साथ खड़ी खड़ी घूरने लगी। जब सामने वह अपने मोटरसाइकिल में खड़ा था। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पक्का मैं सदमे में थी। हाँ हाँ, हेलो तुम्हें भी, उसने कहा, और मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए बेबी, उसने आँख मारी। बेबी? क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या यह किसी तरीके का मजाक है? क्या मैं न्यूयॉर्क में हूँ जहाँ बच्चे ऐसा प्रैंक करते हैं? क्योंकि एक लड़की है जो हमेशा स्कूल तक चलकर जाती है, वह मेरी ओर घूरने लगा। मैं सच में इसकी सराहना करती हूँ, पर मैं चलना पसंद करती हूँ, मैंने कहा। कम ऑन, बैठ जाओ, मैं जल्दी में हूँ, उसने कहा। देखो मैं ठीक हूँ, मैं काफ़ी गुस्से से कही और फिर चलने लगी। अगर यह प्रैंक है तो मेरा समय खराब होगा। माया, मैं बस तुमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो जल्दी से बाइक में बैठ जाओ, नहीं तो देर हो जाएगा, 8 बज चुके हैं। इतने सीरियसली कहा कि मैं उस पर तुरंत विश्वास कर ली। क्या सच में? मैं पैनिक करने लगी। उसने मुझे हेलमेट पकड़ाया और मैं उसकी बाइक में बैठ गई। मैं उसके कमर को पकड़ लिया और मैं मन ही मन यह दुआ कर रही थी कि यह सच कह रहा हो। न्यूयॉर्क में मेरे साथ जो बड़ा हादसा हुआ था उसके बारे में मैं सोचने लगी कि तब तक मैं कैंपस तक पहुँच गई। जब मैं मोटरसाइकिल से उतरी तो देखा बाहर अभी बच्चे थे। मैं जल्दी से अपने मोबाइल निकाल कर देखी तो 8 बजने में 15 मिनट बाकी थे। क्या मजाक है, अभी 8 नहीं बजे हैं, मैं चिल्लाई, उसने कहा। अगर तुम चलती तो 8 बज जाता, मैं तुम्हारी बाइक में कभी नहीं बैठूंगी, मैं अपने हाथ को सीने में मोड़ कर पाउट करते हुए कही। तुमसे बाद में मिलता हूँ डार्लिंग, वह कहा और मुझे अनदेखा कर वहाँ से चला गया। क्या क्या कहा डार्लिंग? क्या वह लड़कियों को ऐसे ही बात करता है? मैं उसे देखकर लाड नहीं टपकाती हूँ, क्या टपकाती हूँ, लड़का मुझे काफी रहस्यमयी लगता है। आखिर मोहित मुझे उससे दूर रहने को क्यों कहा? शायद मुझे इस बारे में मोहित से बात करनी होगी। दोस्तों, क्या इस रहस्यमय लड़के जैक से माया को दूर रहना चाहिए जो कि एक भोली भाली लड़की है? पर कभी कभी हमारे दिल पर बस नहीं चलता, हम किसी ऐसे को दिल दे बैठते हैं जो हमारा दिल आसानी से तोड़ देता है। इस कहानी में आगे मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।